कोरबा के बालको संयंत्र में घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और श्रमिकों ने दी 10 लाख मुआवजा और एक श्रमिक को नौकरी देने की मांग। बालको के 540 मेगावाट पावर प्लांट में पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक ठेका कंपनी मेंटेनेंस का कार्य करती है। पावरमेक के कार्यों में पेटी ठेकेदार एम इंटरप्राइजेस के अधीन 27 वर्षीय राजेश कर्ष काम करता था। चिमनी के पंखे की चपेट में आकर राजेश शनिवार की शाम घायल हो गया था, जिसका उपचार कोसाबाड़ी स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। नियोक्ता ठेका कंपनी की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिया गया। मृतक की पत्नी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधानों के तहत एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा 50,000 रुपए नगद की तत्कालीन सहायता राशि दी गई है। बालको प्रबंधन ने कर्मी की मौत पर संवेदना जताई है। हादसे की जांच गठित टीम द्वारा की जा रही है। ये घटना है शनिवार शाम करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। राजेश कर्ष नाम था मजदूर भाई का। ये आईडी फील्ड में मैकेनिकल काम कर रहा था। उसी काम के दौरान इसको वहाँ पर चोट लगी। उसको बचा दिया। जैसे घटना स्थल पर जो थे उसे प्राप्त जानकारी के अनुसार में वहीं पर ये इंपेलर में इंपेलर घूमने के कारण इसको चोट लगा। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद तुरंत बालको को एम्बुलेंस रहता है प्लांट के अंदर में, इसे लेके बालको हॉस्पिटल लेके गए। बालको हॉस्पिटल में प्राइमरी इलाज के बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया। इलाज इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनका दुखद निधन हो गया। लापरवाही तो एक्चुअल में क्या हुआ था घटनाक्रम में जो एग्जैक्ट वहाँ था वही वही बता पाएगा, लेकिन अब कुछ तो लापरवाही की गुंजाइश दिख रहा है जैसा लोग बता रहे हैं उस हिसाब से। जी बाकी अपने एक्चुअल जो घटनाक्रम के समय जो था वही क्या कैसे घटना घटी वो तो उन्हीं लोग ही बता पाएगा। अच्छा अब ये इसके अनुसार में अभी तक के जो हमारे बालकों में जो सिस्टम बना है कि प्लांट के अंदर में कार्य करते हुए मजदूर अगर डेथ होता है मृत्यु तो अंदर में ही ऐसे घटना के कारण होता है तो फिर जो हमारा एनडीएस में प्रावधान है उसके तहत 10 लाख का मुआवजा क्षति मुआवजा और तुरंत 50,000 का जीवन के लिए अंतिम संस्कार के लिए और उसके आश्रित को जो जहाँ काम करते रहते हैं वहीं पर कंपनी में या कंपनी में उस हिसाब से उसको जैसा भी उसका एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है जो कर सकते हैं उसके हिसाब से कुछ कंपनी में काम दिया जाता है। कोई अपना डिमांड है उसको प्रबंधन ने पूरा करने के लिए हम ही भरी है। आश्वासन मिला है? पूरा आश्वासन भी है और हमारा कई केस हो चुके हैं इसमें सब हमारा एनटीएस से कवर्ड है। वो जो एनटीएस में लिखा है उस प्रावधान को पूरा करना है और उसके लिए गृह को शाम को 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि आईडी फैन से प्लांट के अंदर राजेश कर्ष का एक्सीडेंट हुआ है और जिसको बालको हॉस्पिटल में लाया गया। उसके उपरांत तो उसको बेहतर इलाज के लिए एनकेएच हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। वहाँ पर इलाज के दौरान उसका इलाज चल रहा था और आज सुबह पता चला कि लगभग 2:30 बजे के लगभग उसकी मौत हो गई है, तो जिसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ पे उसका मर्ग पंचनामा वगैरह करके और फिर उसका PM कराया जा रहा है। उनकी परिजन उनकी मांग कर रहे हैं कि उनको जो भी मुआवजा राशि सहयोग राशि प्राप्त हो उस बच्चे का उनका जो पेंशन है बच्चे के लिए पेंशन मिल जाए और उनकी पत्नी को नौकरी मिल जाए, ये इनकी डिमांड चल रही है। और बालको प्रबंधन कंपनी के जो अधिकारी हैं वो और परिजन मिलकर इस समय चर्चा किए हैं उन लोगों का आपस में जो सहयोग हुआ है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।